अब अगर हाइंड गट के बारे में देखते हैं, किस तरीके से हाइंड गट में मैंने हम लोगों ने फोरगट और मिड गट डिस्कस कर लिया। अब हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? हाइंड गट डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना, जो हाइंड गट होती है, हाइंड गट पे आपको मालूम है क्यूट के लोग हैं, तो हाइंड गट का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? प्रोक्टोडियम हो जाएगा। हाइंड गट के तीन पार्ट होते हैं, इलियम, कोलन और रेक्टम। और रेक्टम जो होता है एनस के द्वारा बाहर ओपन होता है। हम लोग यहां से देख लेते हैं, हमने बात किया हाइंड गट के तीन पार्ट हो गए, इलियम, कोलन और रेक्टम। सबसे पहले जैसे हमने कहा, हर चीज की तुलना बिल्कुल हमारी बॉडी से करना। आपने देखा, हम लोगों पहले डाइजेशन की प्रोसेस हुई, फिर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हुई थी। आपको याद होगा, ड्यूडेनम तक बढ़िया से डाइजेशन वगैरह हुआ था, फिर जेजुरम में एब्जॉर्प्शन हो गया था, फिर थोड़ा बहुत जो भी चीजें रह गई थी आपको याद होगा, लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर वगैरह, इन सब चीजों का एब्जॉर्प्शन हुआ था। मतलब कि जो चीजें बच गई थी, लास्ट की जो चीजें थी, उसके बाद रेक्टम में फीकल मैटर स्टोर हुआ था, बॉडी से बाहर पास हुआ था। सेम चीज यहाँ पे भी है, फॉरगेट मिडगेट और हम लोग हाइंड गेट। देखो, फॉरगेट में डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई, जैसे हमारे शुरुआती एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत पार्ट में डाइजेशन की प्रोसेस हुई, बीच वाले पार्ट में एब्जॉर्प्शन वगैरह हुआ, लास्ट वाले पार्ट में स्टोरेज और आउट हुआ। वही चीज यहाँ पे दी है कि लास्ट पार्ट कौन सा है? हाइंड गट है। हाइंड गट को प्रोक्टोडियम बोलते हैं। हाइंड गट की अगर हम लोग ऑरिजिन देखें तो आप हमें बता पाओगे कि इसकी ऑरिजिन कैसी होगी? सिंपल सी बात है, एक्टोडर्मल होगी। जैसी होगी, फॉरगट और हाइंड गट की ऑरिजिन एक्टोडर्मल होती है, जबकि मिड गट की एंडोडर्मल होती है। इलियम, कोलन और रेक्टम, इसके तीन पार्ट। इलियम के बारे में मैंने बोला, इट्स क्यूटिकल वियर माइन्यूट स्पाइन विच ब्रेक द पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन। पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन को ब्रेक करने में इलियम में कुछ स्पाइन, कांटेनुमा संरचना बनती है, क्यूटिकल की बनी हुई, उसको क्या बोलते हैं? स्पाइन। जो पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन को डैमेज करने में हेल्प करती है। अभी पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन का फंक्शन बताएंगे, अभी एक साथ पूरी चीजें लिखेंगे पूरा इसका, तो और अच्छे से आप लोग क्लियर होगा। उसके बाद है कोलोन। कोलोन क्या होता है? लॉन्गेस्ट एंड ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है। कैसा होता है कोलोन? जो होता है लॉन्गेस्ट एंड ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है। उसके अगर हम लोग बात करें रेक्टम, रेक्टम में सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिक्स रेक्टल पेपली। क्या चीज है? सिक्स रेक्टल पेपली जो होती है, ये क्या करेंगे? ये फूड को फूड से क्या करेंगी? छह रेक्टल पेपली पाई जाती है। पूछा गया बहुत बार, रेक्टम में कितनी पेपली होती है? सिक्स रेक्टल पेपली होती है, जो कि वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करेंगे? वाटर के एब्जॉर्ब। उसके बाद है ये जो रेक्टम है, एनस के द्वारा बाहर ओपन होता है। टेंथ एब्डोमिनल सेगमेंट पे एनस पाई जाती है, जो बाहर ओपन। अब देखो, डाइजेस्टिव फॉरगेट मिडगेट हाइंड गेट हम लोग पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। अगर हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में एक तो सेलिवरी ग्लैंड हो गए, सेलिवरी ग्लैंड हो गए। सेलिवरी ग्लैंड मैंने कहा था वन पेयर होती है, ईसोफेगस के साइड से क्रॉप तक जाती है इसमें। अब जो सेलिवरी ग्लैंड होती है, उनमें दो प्रकार का पार्ट होता है। एक मैंने बोला रिजर्वायर पार्ट और दूसरा बोला ग्लैंडुलर पार्ट। देखो, रिजर्वायर का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कहा था सिलिंड्रिकल एंड स्टोरेज ऑफ, ये रिजर्व रखना, कोई भी चीज रिजर्व रखना, होता है ना कि इतनी चीज रिजर्व रख लो, तो रिजर्वायर पार्ट क्या है? रिजर्व रखने के काम आता है। तो ये किसको रिजर्व रखेगा? ये सेलाइवा को रिजर्व रखेगा। सेलाइवा को स्टोर रखने का काम कौन करेगा? रिजर्वायर पार्ट करेगा। जबकि दूसरा मैंने बोला ग्लैंडुलर पार्ट। ग्लैंडुलर पार्ट जो होता है लीफ लाइक होता है, पत्ती नुमा नजर आता है। मैंने कहा लीफ लाइक सिंथेसिस ऑफ सेलाइवा टेक्स प्लेस। यहाँ पे क्या होती है सेलाइवा की, तो सेलाइवा बनता कि यार वैसे भी आप ग्लैंडुलर नाम सुनते हो, तो ग्लैंडुलर नाम से किसका आता है? ग्लैंड्स का नाम आता है। ग्लैंड से सिक्रीशन जो होगा वो ग्लैंडुलर पार्ट है। तो ग्लैंडुलर पार्ट क्या करेगा? सेलाइवा का सिक्रीशन कराता है, जबकि रिजर्वायर पार्ट क्या करता है? सिलेंड्रिकल होता है और सेलाइवा को स्टोर होने में हेल्प करता है। अब मैंने एक पॉइंट लिखा है डक्ट ओपन इनटू द प्रीओवल, इसकी जो डक्ट होती है सेलिवरी की, जो ग्लैंड की जो डक्ट होती है, ये कहाँ पे? हाइपोफेरिंक्स में ओपन। आपको याद होगा पहले लेक्चर में मैंने आपको माउथ पार्ट दिखाए थे। माउथ पार्ट में याद हो लेब्रम, अपर लिप, लेबियम, लोअर लिप, हाइपोफेरिंक्स को टंग बोल रहे थे। हाइपोफेरिंक्स को टंग बोलने के पीछे का कारण क्या था? मैंने आपको वहां पे बताया था कि वहां पे कॉमन सेलिवरी डक्ट ओपन होती। कॉमन सेलिवरी क्यों बोली थी? इस साइड से भी, दोनों साइड से आती है। और ओपन कहाँ पे होती है? तो वहां पे ओपन हो रही थी, इसलिए हमने बोला था हाइपोफेरिंक्स को क्या बोलते हैं? टंग बोलते हैं। उसके बाद इसका जो सेलाइवा होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, डाइजेस्टिव एंजाइम, एमाइलेज, सेलुलोज और काइटिनेज आता है। आपको मालूम होगा कॉकरोच कैसा होता है? ओमनीवोरस होता है, किसी भी चीज को खाता है, मांस के भी टुकड़े खा लेता है, रोटी के भी टुकड़े खा लेता है, ये सारी चीजें खाता है, तो ये ओमनीवोरस होता है। बाकी बातें हम लोग डिटेल से भी इसका पूरा एक चार्ट बनाते हैं। अब आपको बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन हो रहा होगा, कंफ्यूजन कैसा हो रहा होगा? क्यूटिकुलर टीथ की संख्या कितनी थी? तो याद आ रहा होगा छह थी। किस रीजन में पाए जा रहे थे? गिजार्ड में पाए जा रहे थे। क्या हेल्प कर रहे थे?
हेल्प किसमें कर रहे थे? तो याद हो रहा होगा आपको, हेल्प किस चीज में कर रहे थे? तो वो आपका हेल्प कर रहे थे डाइजेशन में, नहीं खाने को पीसने में। जबकि रेक्टल पेपली किसमें हेल्प कर रहे हैं? एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रही है। इनकी भी संख्या कितनी है? 6 है। रेक्टल पेपली रेक्टम में पाई जा रही है, मगर क्यूटिकुलर टीथ कहाँ पे पाए जा रहे थे? क्यूटिकुलर टीथ आपको याद आ रहा होगा, वो आपके पाए जा रहे थे गिजार्ड में। उसके अलावा फॉरगेट मिडगेट हाइंडगेट की स्टोरी आप जानेंगे, तो इतने से बाहर पॉइंट नहीं आएगा। हमने मैक्सिमम बातें डिस्कस कर ली हैं, अब हम लोग इसके बारे में पूरा कंपेयर करके कौन सी चीज कहाँ पे मेलपिजियन ट्यूबुल कितना है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब अगर हम लोग पेरीट्रोपिक मेम्ब्रेन की बात करते हैं, कि जो पेरीट्रोपिक मेम्ब्रेन होती है उसका पेरीट्रोपिक मेम्ब्रेन बनती कैसे है। एक्चुअली क्या होता है कि जब खाना, जैसे मैंने लिखा, सीक्रेटेड बाई वॉल ऑफ मेसेंटेरी अराउंड द फूड, जब खाना अंदर जाता है तो खाना, अब यार खाना किस तरीके का जा रहा है, कैसा जा रहा है, हार्ड फूड जा रही, कैसी जा रही, हो सकता है वो एलिमेंट्री कैनाल को डैमेज कर दे। ऐसा हो सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल को डैमेज कर दे, तो एलिमेंट्री कैनाल डैमेज ना हो इसलिए जो मिडगट होती है, मेसेंटेरी होती है, उसकी दीवार से एक मेम्ब्रेन सिक्रीट होती है जो खाने को लपेट देती है। एक मेम्ब्रेन सिक्रीट होती है जो खाने को लपेट के रखती है, खाने के चारों तरफ लिपट जाती है, जिससे कि खाना क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल को डैमेज ना करे, उस खाने के फ्रिक्शन के कारण एलिमेंट्री कैनाल जो है वो डैमेज ना हो। तो पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन किसके द्वारा फॉर्म होती है? तो फॉर्म बाय मेसेंटेरी। अगर पूछा जाए कि मेसेंटेरी की दीवार से पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन सिक्रीट होती है, और इसका काम क्या होता है, ये मिडगट को फ्रिक्शन से बचाती है। एलिमेंट्री कैनाल किससे बचाती है? मिडगट। अब जो पर ये पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन होती है डाइजेस्टिव एंजाइम और डाइजेस्टिव कोड के लिए परमेबल होती है, मतलब जरूरी चीजों को आने जाने देती है, परंतु ये खाने से एलिमेंट गट को भी बचा देती है। उसके बाद मैंने एक पॉइंट लिखा कि डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम प्री ओरल कैविटी, डाइजेशन प्री ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है और कंप्लीट कहाँ हो जाता है? मिडगट के शुरुआत में, क्योंकि हेपेटिक सीका ही थे वहां पे मिडगट, और आपको याद होगा फोरगट और मिडगट के बीच हेपेटिक सीका एब्जॉर्प्शन करा देंगे, एब्जॉर्प्शन करा रहे मतलब कि डाइजेशन मैक्सिमम कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने लिखा है कि डाइजेशन स्पाइन ऑफ इलियम, अभी थोड़ी देर पहले इलियम में बताए थे स्पाइन होते हैं जो पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, जरूरी भी है डैमेज होना, क्योंकि जिससे कि अनडाइजेस्टेड जो सब्सटेंस है वो इलियम में रिलीज हो जाए। क्या हो जाए? जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस है वो इलियम में रिलीज हो जाए। तो इतनी बातें आप लोग याद रखना, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं, कोई भी दिक्कत तो नहीं ना, ये पॉइंट आपको समझ में आ गए ना, क्लियर हो गया? देख लो अच्छे से, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो अच्छे समझो, फिर हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके बच्चों।